नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं इंदौर की खबरों की ओर। इंदौर में लगातार चोरी के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ये मामला जीआरपी पुलिस थाने का है, जहां रेलवे पटरी के पास नाली के ऊपर लगी लोहे की लाखों रुपए की जालियां चोरी हो रही थी। मुखबिर की सूचना के आधार पर रेलवे पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे लाखों रुपए की लोहे की जालियां बरामद की है। इंदौर जीआरपी पुलिस ने ऐसे चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जो रेलवे का माल लंबे समय से चुरा रहे थे। आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपए की लोहे की जालियां जीआरपी पुलिस ने बरामद की है, जो उन्होंने रेलवे स्टेशन परिसर से ही चुराई थी। जीआरपी थाना प्रभारी के मुताबिक आरोपी लंबे समय से ऐसी चोरियों को अंजाम दे रहे थे, वे अब पकड़े जा चुके हैं। आरोपियों का नाम सोनू व सुनील है, जो कि शराब के आदि हैं। वह अपना शौक पूरा करने के लिए रेलवे का माल चुरा रहे थे। आरोपियों के कब्जे से तकरीबन 5 क्विंटल से अधिक की लोहे की जालियां बरामद की गई है, जिनकी कीमत लाखों रुपए है। फिलहाल इन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। रेलवे की संपत्ति चुराने वाले जो लोगों को पकड़ा, वो जो खरीदता उसको भी पुलिस ने जीआरपी ने पकड़ा। किसने काबू किया? एक्चुअली कल रात के समय जब हमारे प्लेटफॉर्म नंबर 4 के बाहर जो फोर्स तैनात था, एक मुखबिर से इन्फॉर्मेशन मिली कि कुछ लोग रेलवे की जो पानी निकासी की जगह होती है उसके ऊपर जो जाली लगी रहती है उसको लेके जा रहे हैं। तो लगातार ऐसी इन्फॉर्मेशन थी और कल मुखबिर की सूचना इतनी मुश्तैद निकली कि जब दबिश दी गई तो वहाँ पर वाकई में दो चोर हमको मिले, जो कि लाइव थे और पटरी निकाल, वो जो जाली है निकाल के भाग रहे थे। तो सोनू और सुनील दो लड़के वहाँ पर हम लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा और उनके पास से कुछ जालियाँ पकड़ी, जो इन लोगों ने प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 का जो आउटर एरिया वहाँ पर कुछ जालियाँ लोगों ने छुपा के रखी हुई थी, वो हमने बरामद की। साथ में जब इनसे और पूछताछ की गई तब इन्होंने बताया कि एक प्रभु नाम के व्यक्ति जो कबाड़ी का सामान खरीदता था उसको ये जाकर के सारा सामान बेचा करते थे। तो रात में ही उनको उसके यहाँ पर भी दबिश दी गई और उसके पास से भी काफ़ी कुछ माल हमें बरामद मिल पाया और लगभग 5 से 6 क्विंटल जो है माल हमने बरामद किया है, जिसकी लागत राशि इन्होंने बता रहे थे कि 2,25,000 कुछ ऐसा है। तो तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके आज न्यायालय पेश करेंगे। बिल्कुल, चूँकि एक बात जरूर मुझे पूछताछ में निकल कर आई है कि ये सिर्फ लोहे ही चोरी करा करते थे, क्योंकि स्टेशन से तो कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कभी मोटरसाइकिल भी चोरी हुई, यहाँ से सामान भी कुछ चोरी हुआ है, लेकिन ये पर्टिकुलर लोहे का सामान चुराया करते थे। ऐसे संज्ञान में आया है कि परदेशीपुरा थाने में भी कुछ लोहे चोर पकड़े गए हैं, तो अब हम लोग आपस में टाई अप करके देखते हैं कि अगर कुछ लिंक इनमें आपस में मिल पाती है। एक्चुअली दोनों, बिल्कुल नहीं, एक्चुअली क्या, दोनों का बैकग्राउंड निकाला गया। एक तो नगर निगम में काम करने वाला पुराना कर्मचारी था सुनील नाम का, समय मतलब काम अब नहीं मिल रहा है उसको, उसके पैर में रॉड डली है तो उस स्तर पर काम नहीं कर पाता था, ये उसको शॉर्ट तक देकर नज़र आया। जो सोनू नाम का जो आरोपी है वो शराब का बड़ा शौकीन है और उसको ज़्यादा महंगी शराब पीने का शौक़ है, इस कारण से उसको पैसे कम पड़ते हैं मजदूरी करने में, तो उसने इसलिए चोरी करने का काम शुरू किया है।